हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनुज आर्ट कला। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, फ्लेक्सी 10 हो या फ्लेक्सी 8 हो, जब हम टी पर क्लिक करने के बाद कुछ लिखते हैं अनुज, तो बर्ड इस तरीके से दूर हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड इस तरीके से दूर हो जाते हैं, तो इससे इस टाइप के हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे ऐसे खींचना पड़ता है, तब जाके हमारे वर्ड जो हैं सही हो पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है, हम यहाँ पे टी पे जब क्लिक करेंगे और ये पूरा सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 87 लिखा है ना, तो यहाँ पे 100% रहेगा जी, यहाँ पे 100 रहेगा। ये अगर ऐसे ऐसे वर्ड बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 100 रहना चाहिए, और ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये इसकी ये कमी होती है, हम यहाँ पे ऐसे 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रहेगा, ऊपर की चौड़ाई जो भी होगी वो रहेगी साइज अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी एक दोस्तों समस्या होती है कि जब हम किसी वर्ड को टाइप करते हैं तो अक्षरों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ए टाइप है, दूसरा अक्षर एन टाइप करूँगा, कहाँ पर टाइप हुआ, जबकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यू टाइप करूँगा, जे टाइप करूँगा, इतनी दूर दूर हो गए, तो ये भी एक बहुत जटिल समस्या होती है, हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में आती है, लोग परेशान हो जाते हैं इस समस्या को लेकर, इसे कैसे ठीक करें, पूरा सॉफ्टवेयर उधेड़ के दोबारा से बिन देते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो ज़रा सी सेटिंग होती है, इसमें कुछ नहीं होता, आप ऐसे करें क्लिक, इस पर कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आप इसे सिलेक्ट करने के बाद जब टी पे क्लिक रहेगा तब इसका इसे सुधारने का जो है ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा, तो वो क्या है, पहले आपका सिंपली या तो ऐसे क्लिक रहेगा तब भी नहीं मिलेगा, ऐसे क्लिक रहेगा तब भी नहीं मिलेगा। तो इस वाली समस्या का समाधान करने के लिए, ये समाधान करने के लिए जो गैप है ये कैसे हटाना है, तो अभी इस पर क्लिक नहीं है तो ये हमको ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे 00 दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, पहले मैटर जो लिखा है उस पर जाने के बाद आप टी पे क्लिक कर देंगे, या इसे डबल क्लिक मार के पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कॉलम है नीचे से तीसरे नंबर पर, ऊपर से एक दो तीसरे नंबर पर, तो ये ए और बी का गैप है, ये होता है, यहाँ पे आपको 00 रहेगा और यहाँ पे 100% है, तभी ये है। अभी मैं यहाँ पे 00 करके और इंटर दबा दूँगा, ये अपनी जगह पर ठीक आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं दूसरी जगह लिखूँगा ए एन यू जे, तो एक समस्या का समाधान हो चुका है और दूसरी समस्या वही वाली फिर आ रही है। तो क्यों आ रही है, ये जो बर्ड हमारे ऐसे ऐसे जा रहे हैं लंबे क्यों जा रहे हैं, तो इसका इस सेम कंडीशन वही है, इसे सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और टी पे चले जाएंगे और इसे डबल क्लिक मार के सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो देखते हैं आप दो, ये 1000 लिखा है ना, 1000, तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, ये 1000 गलत है, 100 हो गया, ये सही हो गई अब। तो दोस्तों, ये एक छोटी मोटी समस्या है जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, और जो जिन्हें होती है वो इस वीडियो को ना देखें, जिन भाइयों के काम की वीडियो है वो ज़रूर देखें, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें दोस्तों, इससे थोड़ा ठीक लगता है कि लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। तो ये हो गया दोस्तों, अब हम यहाँ से न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा दिखा देंगे। इस समस्या को अगर बार बार बचाना है तो आप टी पे क्लिक करने से पहले इसे देख लिया करो, यहाँ पे देखिए अभी 1000 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में 1000 आ रहा है, यहाँ पे 10 डिलीट कर देना है, 100% रहेगा यहाँ पे, और इंटर मार देंगे। ठीक, ए एन यू जे अनुज लिखा, ये सही आ गया। ठीक, ये वाला, अब अभी इसमें अगर 100% रहता तो ये गलत हो जाता, न्यू पेज पे जाके दोबारा आपको टाइप करके दिखा दूँ, ए एन यू जे, अब ये समस्या का समाधान हमारे हो चुका है। और ये अगर समस्या आती है, ये बार बार आती रहेगी और आप इससे निमट नहीं पाओगे, तो उसके लिए जब आप फाइल का प्रथम पेज ओपन करेंगे, टी पे क्लिक करने के बाद पहले ही चेक करके यहाँ पे सही कर देंगे और इंटर मार देंगे तो सही हो जाएगी हमेशा के लिए, या आपने टाइप किया ऐसे सही कर दिया, नया पेज खोलेंगे तो फिर आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों,
टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 100% रहना है और इस वाले में 0-0 रहना है, ठीक है। और आप मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, तो दोस्तों देखते रहिए और सीखते रहिए। आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।